एबीपीएस न्यूज़। गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते हम बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्रों की। आज भी भारत के अधिकांश गांव ऐसे हैं जिनमें चिकित्सीय सेवाओं का हाल बुरा है। अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पीड़ितों की चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, बहुत से बच्चे भी चिकित्सा के अभाव में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। जिन गांवों में मनुष्य की चिकित्सा का ये हाल है, तो पशु चिकित्सालय के बारे में सोचना भी असंभव है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जानीखुर्द में स्थित आलमगीरपुर गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने सीमा देवी को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2200 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से दूरी 25 किलोमीटर तथा ब्लॉक से दूरी 10 किलोमीटर है। लगभग 1250 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 120 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। गांव में 412 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 43 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 90 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ गांव में आंगनवाड़ी केंद्र, 9 सीसी टाइल्स रोड एवं सीसी रोड, स्कूल में मरम्मत कार्य व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 135 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधानपति ग्राम आलमगीरपुर ब्लॉक रोहटा तहसील जिला मेरठ। मैंने यहाँ अपने गांव में काफ़ी कार्य कराए हैं और गलियों में 9-10 गलियों में सीसी टैल लगवाई हैं। मैन खड़ंजे पर पूरा सीसी टैल लगवाया है और स्कूल शौचालयों में टैलें लगवाई हैं, टंकी फिटिंग कराई है, समरसेबिल करवाया है दोनों स्कूलों में और दोनों स्कूलों में टंकी रखवाई हैं ऊपर। और मैं अब एक आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया है और ग्राम पंचायत में अपनी इस ग्राम पंचायत आलमगीरपुर में 134 शौचालय बनवाए हैं और गांव को ओडीएफ कराया है। और अब जो मेरी डिमांड है कि मेरे गांव का जो मेरी गांव की बहुत गहन समस्या ये है कि पानी की निकासी सही नहीं होती है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि वो पानी जो वेस्ट फिर रहा है, घूम रहा है गांव में, सड़कों पर घूम रहा है, उसे मैं चाहता हूँ कि वो हमारे ही गांव के तालाब में जाए। उसके लिए काफ़ी समस्या मेरे सामने आ रही है कि वो तालाब मेरा उखलीने गांव के पल्ली तरफ है और मेरे गांव में तो ही उखलीने का भी पानी, जो गंदा पानी है या नलों का टंकी का पानी है, नालियों का पानी है, वो सब जो मेरे गांव में भी आता है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे तालाब में जाए। और मेरे गांव के जो लिंक रोड है पूरा महादेव की, उसमें जो पानी चल रहा है उसके जो नाले हैं वो अटे हुए हैं। मेरे ब्लॉक वालों से काफ़ी बार कहा है, मेरी समस्या ये है कि पैसा समय पर नहीं आ रहा है। मेरी अभी जो ग्राम पंचायत में मैंने आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया उसका भी पैसा मैंने अपने पास से लगा रखा है। अगर मैं उस पैसे को ब्लॉक वालों से कहता हूँ तो कोई 10,000 रुपये मांगता है रिश्वत के, कोई 5,000 रुपये मांगता है। मेरे सामने बहुत कड़ी समस्या है तो मैं इस कैमरे के माध्यम से आप तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरी इन समस्याओं का समाधान करें। मैं अपनी ये समस्या जो आप कैमरे के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, आप योगी सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, मोदी सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी गहन समस्या ये है कि ये आप देख ही रहे हैं कि पानी कैसा सड़कों पर चल रहा है और मेरी बहुत गहन समस्या है ये, ताकि इसका निजात हो सके, बस मैं यही चाहता हूँ।